नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे TLC कैसे बढ़ाएं, प्लेटलेट काउंट कैसे बढ़ाएं और टाइफाइड बुखार, इन तीनों को कैसे ठीक करते हैं। इसके बारे में ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं पूरा डिटेल्स में कि हम TLC को कैसे बढ़ाएं, TLC बढ़ाने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन खाना चाहिए। इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियो बना के रखा है, लेकिन आज जो वीडियो मैं बताऊंगा इसमें आपको तीन चार चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि TLC के साथ साथ में दिक्कत होती है। TLC कैसे बढ़ाएं, टाइफाइड बुखार को कैसे ठीक करें, प्लेटलेट काउंट कैसे बढ़ाएं, ठीक है, और कभी कभी SGOT इन्फेक्शन होता है उसको कैसे ठीक करें। तीन चार बीमारियों को एक साथ ठीक करने का ट्रीटमेंट इस वीडियो में बताया जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अगर पहले पता होना चाहिए कि मुझे किस लक्षण से मुझे TLC और प्लेटलेट काउंट की दिक्कत लग रही है। देखिए अगर आपको काफी टाइम से बुखार हो रहा है और आपके पैर में हाथ में अगर आपको झुनझुनाहट महसूस हो रही है और कमजोरी महसूस हो रही है, झुनझुनाहट कमजोरी महसूस होना, तेज बुखार आना, सर में दर्द, हेडेक, वोमिटिंग, इस तरह की जितनी भी दिक्कत अगर आपको लग रही है, चाहे वो जिसकी एज 20-25 साल के कोई एडल्ट लड़का हो या एडल्ट में व्यक्ति हो जिसकी एज 35-25-30 होनी चाहिए हो, अगर इस दोनों 20 साल के बच्चे को और 35-35 साल के इंसान को भी अगर इस तरह की दिक्कत है, तेज बुखार, सर दर्द, वोमिटिंग, हेडेक, पैर में झुनझुनाहट, टांस लगना, सर में दर्द ज्यादा होना, तेज बुखार आना, इस तरह की अगर दिक्कत होती है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस लक्षण से मुझे एक्सपीरियंस है कि आपका प्लेटलेट काउंट भी कम है, आपका TLC भी कम है, ब्लड में इन्फेक्शन आपका जो है बहुत कम है और आपको क्या है कि खून की भी कमी, टाइफाइड भी आपको है, ठीक है, लीवर इन्फेक्शन भी आपको, तभी इस तरह की दिक्कत हो रही है। क्योंकि जब तेज बुखार है, सर में दर्द है और अगर वोमिटिंग हो रहा है, हेडेक है, तो समझ लीजिए कि लीवर इन्फेक्शन है और आपने अगर ऑलरेडी कोई मेडिसिन भी खाई है और मेडिसिन खाने के बाद में अगर आपको और सारी दिक्कत बढ़ती गई है, अगर कोई रिस्पांस नहीं मिला, आप 100% मान लीजिए कि आपको और बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको एक LFT टेस्ट करवाना है, CBC डाल टेस्ट करवाना है, इस टेस्ट करवाने के बाद में मुझे रिपोर्ट को सेंड करना है, ठीक है। अगर मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, उससे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे रिपोर्ट सेंड कर सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर इस तरह के जो लक्षण लग रहे हैं, आप बात करते हैं कैसे ठीक करें, ठीक, तो देखिए अगर जो जो दिक्कत हमने बताई, अगर TLC आपकी कम है, 3,000 है, तो पैर में झुनझुनाहट, तेज बुखार, दर्द, कमजोरी लग रही का, ठीक है, प्लेटलेट काउंट है तो घुटनों में दर्द होगा, कमर के नीचे हिस्से में दर्द होना, आपको उठने में दिक्कत, लेटरिन बाथरूम में दिक्कत, इस तरह की बहुत सारी दिक्कत आपको होंगी, ठीक है, हेडेक और आपको नोजिया, छींक आना बार बार, इस तरह की दिक्कत आपको होंगी। तो अगर ये सब दिक्कत है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए अगर टेस्ट करवाने के बाद में ये सब दिक्कत निकलती है तो सबसे पहले आपको कैरापिल टेबलेट आती है जो माइक्रो कंपनी की बनाई हुई टेबलेट, कैरापिल पपाया टेबलेट। इस टेबलेट को आपको एक एक टेबलेट 3 बार खाना है, दिन में 3 बार खाना है, दिन में 3 टाइम, TDS यानी कि सुबह खाना खाने के बाद में, दोपहर में खाना खाने के बाद में, शाम खाना खाने के। इस टेबलेट को सुबह शाम खाना है। कमजोरी है, शरीर में दर्द है, वीकनेस है, सुस्ती है, उसके लिए आपको न्यूरोकेंट गोल्ड खाना, जो कि मिथाइल कोबालामिन पेरिडॉक्सिम होता है, जो कि सुबह शाम खाना है इस कैप्सूल को, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद में कुछ खाना जरूरी है क्योंकि खाली पेट नहीं खाना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट आगे बताएंगे। तेज बुखार है, बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द है, आइबुजेसिक प्लस या आइबुप्रोफेन, इस टेबलेट को आपको यूज करना चाहिए 3 टाइम खाना खाने के बाद में, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है आपको तो, ठीक है। और एंटीबायोटिक आपको गलती से नहीं लेना, क्योंकि जो हमने बताया है मेडिसिन यही आपको लेना है। आप पूछोगे कि सर इसमें क्या क्या ठीक होगा, अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक पेशेंट हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनना, इसमें क्या क्या होगा। जो हमने दवा बताई थी, टाइफाइड आपको तभी होगा जब आपको वीकनेस होगी और आपकी TLC भी कम है, प्लेटलेट काउंट कम है, तो आपको कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है। जो मैंने मेडिसिन बताई यही आपके लिए यूजफुल और इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर बहुत ज्यादा कम हो जाता है प्लेटलेट काउंट, तो उसके लिए आपको प्लेटलेट काउंट का ब्लड लगवाना पड़ता है, ठीक है, आपको प्लेटलेट चढ़ेगा, प्लेटलेट चढ़वाना पड़ता है, वो तो हॉस्पिटल में आपको नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन 80,000 90,000 प्लेटलेट काउंट है, इस तरह के लक्षण है, आप सेम मेडिसिन दे दीजिए, न्यूरोकाइंड गोल्ड सुबह शाम, पैरापिल 3 टाइम, डोलो 650 3 टाइम, या दर्द ज्यादा है तो आइबुप्रोफेन 3 टाइम दे सकते हो, गैस के लिए पेंटॉप DSR या पेंटॉप 40 या नेक्सप्रो L कैप्सूल दे सकते हो, जिससे कि पेशेंट को एसिडिटी नहीं बनेगी, तो उनका डाइजेस्टिव बेस्ट रहेगा और उनको खाना खाने में भी हेल्प होगी, खाना खाने के टाइम में उनको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक। और बहुत ज़्यादा दर्द है तो एक आधा कैल्शियम संडोज इंजेक्शन 10 ml का, इसको आपको पेशेंट को लगाना है 100 ml NS में डाल करके 5 दिन तक, ये इंजेक्शन 5 दिन लगातार लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। पेशेंट को 1 घंटे में चढ़ाना है स्लो स्लो ड्रिप में लगा करके। एक इंजेक्शन आता है बिगबिन 25 mg को, इस इंजेक्शन को 5 दिन तक लगाना है, कैल्शियम संडोज को लगाना है सुबह सुबह में और बिगबिन को दोपहर में लगाना है, बाकी मेडिसिन सेम कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि टाइफाइड, प्लेटलेट काउंट, TLC ये तीनों एक साथ ठीक हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, मात्र 24 घंटे के अंदर आपको रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली, अगर वीडियो से जानकारी मिली तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।